हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए छोड़ा था। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना था। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है, ए और बी मिलकर 27 घंटे के अंदर 135 पेज लिख सकते हैं, बी को 42 पेज लिखने में कितना वक्त लगेगा। हमारे पास क्या है दोस्तों, ए जो है वो 25 घंटे जब पेज लिखता है तो कितने पेज लिख सकता है, वो 75। 25 घंटे के अंदर वो है 75 पेज लिख सकता है। तो हमें निकालना है कि 1 घंटे के अंदर वो कितने लिखेगा। तो हमें क्या करना है, 75 बटे 25 हम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। यानी 1 घंटे के अंदर वो कितने पेज लिखता है, 3 पेज लिखता है। और 25 घंटे के अंदर 25 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना है, टोटल पेज आ जाएंगे। यानी 1 घंटे के अंदर लिखता है 3 और 25 घंटे के अंदर कितने लिख देगा, 75। तो ए हमारा क्या आ गया, 1 घंटे के अंदर कितने पेज लिखता है, 3। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है ए प्लस बी, अगर दोनों मिलकर पेज लिखते हैं तो 27 घंटे के अंदर कितने पेज लिखते हैं, 135। यहां से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के 1 घंटे के पेज निकालेंगे कि 1 घंटे के अंदर ये कितने लिखते हैं। तो क्या करेंगे, 135 बटा 27, इसे हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। यानी ए प्लस बी मिलकर 1 घंटे के अंदर कितने पेज लिखते हैं, 5। ए प्लस बी मिलकर 1 घंटे के अंदर लिखते हैं 5, और ए जो अकेला है वो लिखता है 3। तो हमें निकालना है बी का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो पेज हैं उनमें से क्या करेंगे, ए के पेज माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 2। यानी बी जो है वो 1 घंटे के अंदर कितने पेज लिखता है, 2, और उसे लिखने कितने हैं, 42। तो हम क्या करेंगे, 42 बटा 2, इसे काटेंगे तो हमारे पास आ गया 21। यानी बी जो है वो 42 पेज जब लिखेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, 21 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी क्रमश 10, 12 एवं 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यदि बी 2 दिन बाद काम करना बंद कर दे तो ए और सी को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी 2 दिन के बाद जो है बी काम करना बंद कर देता है और बचा हुआ काम किसे करना है, ए और सी को। तो ए और सी को बचा हुआ काम करने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। हमारे पास क्या है, ए जो है वो काम को 10 दिन के अंदर खत्म कर सकता है। इसी तरह से बी जो है वह उसी काम को 12 दिन के अंदर खत्म कर सकता है, और सी जो है वो उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। इन तीनों का हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 60। इस 60 को हमें मानना है टोटल वर्क। अब हमें क्या करना है, पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 60 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। यानी ए जो है वो 1 दिन के अंदर 6 काम करता है। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे, बी का हमारे पास आ जाएगा 60 बटे 12, तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह से सी का निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, बी जो है वो 1 दिन के अंदर 5 काम करता है और सी जो है वो 1 दिन के अंदर 4 काम करता है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वह एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है और 2 दिन बाद जो है बी काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन बाद जो है
बी काम छोड़कर चला जाता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 और 5, 11 और 4, 15। यानी एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। तो 2 दिन के अंदर कितना काम करेंगे? 30। टोटल काम हमारा था 60, उसमें से जो है 30 इन्होंने कर दिया, बाकी काम बचा है हमारे पास 30। बाकी काम कितना बचा है? 30। अब ये जो बाकी जो काम है ये किसे करना है? ए और सी को। ए प्लस सी जो है मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ए करता है 6 और सी करता है 4। दोनों मिलकर एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं? 10। टोटल काम जो इन्होंने करना है वो कितना है? बाकी बचा काम 30। तो उसे करने के लिए कितना टाइम लगेगा इन्हें? एक दिन के अंदर करते हैं 10 और करना है 30, तो कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। यानी ए प्लस सी मिलकर जब काम करेंगे तो बचा हुआ काम जो है वो 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके मैं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता हूं। यदि आप प्रतिदिन 9 घंटे काम करें तो ये 6/2/3 दिनों में समाप्त हो सकता है। यदि हम दोनों मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो ये कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्या है दोस्तों, मैं जो हूं 8 घंटे रोजाना काम करता हूं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? 15 दिन में। तो 15 दिन में मैंने कितना काम किया है? 8 × 15 = 120। इसी तरह से आप जो है रोजाना 9 घंटे काम करते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं? 6/2/3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20/3। हमारे पास कितना आ गया? 20/3 दिन। अब हमें क्या करना है? 9 को मल्टीप्लाई करना है 20/3 से। तो क्या होगा दोस्तों, 9 × 20/3, इसे हम काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। 3 को हम क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 60। यानी आप जो है कितना काम करते हैं? 60। अब हमें क्या करना है? मैं जो हूं कितना काम करता हूं? 120। आप करते हैं 60। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 120। 120 हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120 को 120 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 1। इसी तरह से 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। यानी मैं जो हूं एक दिन में एक काम करता हूं, आप जो है एक दिन में 2 काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमसे क्या कहा गया है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें वो जो है हर दिन हमें कितना काम करना है? 10 घंटे। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? टोटल काम कितना है? 120। मैं और आप मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 1 और 2 3। कितना काम करते हैं? 3। और हमें 10 घंटे रोजाना काम करना है तो एक दिन का हमारा काम कितना हो जाएगा? 1 दिन का हमारा काम हो जाएगा 3 × 10 यानी 30। एक दिन में हम कितना काम करते हैं? 30। हमें करना है 120। तो क्या करेंगे? 120/30, इसे हम काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। यानी हम जो है दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जो है 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस तरह की ट्रिक अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से जो है हमने पहले भी काफी वीडियो बनाई हुई है वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दुगना कार्य कुशल है तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग काम करें तो
काम कितने दिनों में समाप्त होगा? क्या है दोस्तों, हमारे पास ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनका कार्य का हमें रेशियो दिया गया है, कितना है कि ए जो है बी से दुगना कार्य कुशल है, यानी बी हमने माना कि एक काम करता है तो ए कितना करता है, दो। बी जो है एक काम करता है एक दिन के अंदर, और ए जो है एक दिन के अंदर कितना काम करता है, दो, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर, तीन। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तीन, और कितने दिन तक काम किया है, 16 दिन तक। 16 दिन तक जो काम करते हैं तो काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आ गया, 3 × 16। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि अगर वे अलग अलग काम करें, टोटल काम हमारे पास आ गया 3 × 16। हमसे अगर ए का काम पूछा जाए कि ए जो है इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो क्या होगा दोस्तों, 3 × 16 / ए का एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना काम करता है, दो। इसे हम काट देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 24, यानी 24 दिन के अंदर जो है ए अकेला इस काम को कर सकता है। इसी तरह से बी का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बी बराबर है हमारे पास कितना है टोटल काम, 3 × 16 / में क्या रखेंगे, एक, क्योंकि ए बी जो है वो एक दिन के अंदर एक काम करता है। तो काम कितना हो गया दोस्तों, 3 × 16 और एक दिन के अंदर करता है एक, तो कितना टाइम लगेगा बी को, 16 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, यानी इसे लगेंगे 48 दिन। बी अगर अकेला काम करेगा तो इसे 48 दिन लगेंगे, और ए जो है उसे लगेंगे 24 दिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग कर्मस, कर्मस मतलब इसी क्रम में, 9 एवं 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें, अल्टरनेटिव कार्य करें, और कार्य की शुरुआत ए करे, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्या है दोस्तों, दो व्यक्ति है ए और बी। ए जो है वो काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 9 दिन में, और बी जो है वो उसी काम को 12 दिन के अंदर खत्म कर सकता है। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क और पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 12 का क्या लेंगे हम, एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा 36। ये 36 हमारे पास क्या मानना है हमें, टोटल वर्क। अब क्या करना है हमें, ए और बी का पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी ए जो है एक दिन के अंदर 4 काम करता है। इसी तरह से बी का निकालेंगे, 36 / 12 हमारे पास आ जाएगा 3, यानी बी जो है एक दिन के अंदर 3 काम करता है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि जो दोनों हैं वो अल्टरनेटिव काम करते हैं, और काम को शुरू कौन करता है, ए, यानी पहले दिन जो है ए आया और उसने 4 काम किया, दूसरे दिन जो है बी आया उसने 3 काम किया, इसी तरह से फिर ए आया उसने 4 काम किया, फिर बी आया उसने 3 काम किया। इसी तरह से अगर हम इन्हें जोड़कर सॉल्व करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ट्रिक का यूज करना है। किस तरह से करेंगे देखते हैं। हमारे पास टोटल वर्क हमें यहाँ पर लिख लेना है कितना है, 36। अब देखते हैं, ए एक दिन में करता है 4 और बी जो है एक दिन में करता है 3, दोनों मिलकर जो है कितना काम करते हैं, 7। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 7। कितने दिन लगे हैं 7 काम करने में, एक दिन इसे और एक दिन इसे, यानी 2 दिन के अंदर कितना काम करते हैं, 2 दिन, और काम कितना हो रहा है, 7, वर्क कितना हो रहा है, 7। हमें चाहिए 36। अब इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास
36 हो जाए या फिर 36 के करीब पहुंच जाए, 36 से बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है 36। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 35 और इधर कितना आ गया 10 दिन। 10 दिन में कितना काम हो गया 35 और हमें चाहिए था 36, तो कितना काम बचा है 1। अब काम बचा है 1 और बारी किसकी है A की, क्योंकि जोड़े में चल रहा है तो अब बारी आएगी A की। तो A जो है वो एक दिन के अंदर करता है 4, लेकिन हमें चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे, 10 दिन तो टोटल लग चुके हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए वो रखना है ऊपर और जो करता है A उसे रखना है नीचे। तो कितना आ गया हमारे पास 10 सही 1/4 दिन, यानी काम जो है वो कितने दिन में खत्म होगा 10 सही 1/4 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन क्या है, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्तियों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया था। हमें निकालना है कि शुरुआत के अंदर जो थे कितने व्यक्ति लगे थे काम को करने के लिए। हमने माना कि m व्यक्ति लगे थे, m व्यक्ति अगर 60 दिन तक काम करते तो काम जो खत्म हो जाता। उसके बाद क्या हुआ है, 8 व्यक्ति और आ गए, पहले थे m और कितने आ गए हैं 8, m प्लस 8। अब दिन कितने लग रहे हैं, पहले दिन लगते थे 60, अब कितने दिन लग रहे हैं 10 दिन कम लगते हैं, माइनस क्या करेंगे 10। इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास कितना जाएगा, m इंटू 60 बराबर में है हमारे पास m प्लस 8, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। ये क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है दोनों, तो जीरो से जीरो काट देंगे। यहां पर हमारे पास आ गया 6m, इधर दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m प्लस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6m माइनस 5m बराबर में हमारे पास क्या है 40। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 40, यानी शुरुआत के अंदर कितने आदमी लगे थे 40 आदमी लगे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बच्चे एवं 12 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, यदि प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की तुलना में कार्य पूरा करने में दुगना समय लेता है तो उसी कार्य को 12 पुरुष मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या है दोस्तों हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करना है, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क क्या है हमारे पास, 8 चाइल्ड प्लस 12 मेन इंटू 9 दिन। यानी यहां पर हमारा क्या है कि 8 बच्चे और 12 आदमी मिलकर जब 9 दिन काम करते हैं तो काम जो है खत्म हो जाता है, यानी टोटल वर्क हमारा यहां से निकल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जो कंडीशन हमें दी हुई है क्या है, यदि प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की तुलना में कार्य पूरा करने में दुगना समय लेता है। क्या करता है, एक बच्चा जो है वो एक मेन से दुगना समय लेता है, या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक मेन जो है दो बच्चों के बराबर काम करता है, एक मेन जो है वो दो बच्चों के बराबर काम करता है। अब दोस्तों हमें इसे चेंज करना है, या तो हम इसे मेन में चेंज कर सकते हैं
या फिर इसे चाइल्ड में चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अगर हम इसे मेन में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना है, आठ चाइल्ड का हमें क्या बनाना है, मेन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे चार से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी चार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, चार मेन बराबर क्या आ गया, आठ चाइल्ड, यानी चार आदमी जो है वो आठ बच्चों के बराबर काम करते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आठ चाइल्ड की जगह पर हम क्या करेंगे, चार मेन पुट कर देंगे। क्या आ गया हमारे पास, चार मेन प्लस बारह मेन पहले ही थे यहाँ पर, प्लस हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, नौ दिन। अब इसे सोल्व करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, बारह और चार सोलह, मल्टीप्लाई में क्या है, नौ। ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 16 मल्टीप्लाई नौ। अब इस काम को अगर 12 आदमी मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा, कितना काम है, 16 मल्टीप्लाई नौ, कितने आदमियों को करना है, 12 आदमियों को, तो बटे में रखेंगे 12 आदमी। इसे काट देंगे हम तीन से, चार, चार से चार पे कटेगा। इसके बाद तीन को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, चार तीय 12 दिन, कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे 12 आदमियों को इस काम को खत्म करने में। तो ऑप्शन नंबर चार हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में एवं बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। हमें बताना है कि ए और सी मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 8 दिन के अंदर। उसके बाद बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में खत्म करते हैं, 12 दिन के अंदर। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमें इनका एलसीएम लेना है। जब हम 8, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 24। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का पर डे वर्क निकालने के लिए 24 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। इसी तरह से बी प्लस सी का पर डे वर्क निकालेंगे 24/12 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। 24/6 तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी जो है वो मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 2, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। हमसे पूछा गया है कि ए प्लस सी जो है उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, हमें निकालना है ए प्लस सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, तीनों जो है मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। अगर हम इसमें से बी प्लस सी का काम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास किसका काम आ जाएगा, ए का काम, यानी ए जो है एक दिन के अंदर कितना काम करेगा। हम क्या करेंगे, तीनों का काम है हमारे पास एक दिन का 4, इसमें से हम क्या करेंगे बी प्लस सी का, यानी ये दो जो कार्य है माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2, यानी ए जो है वो एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन तीनों के कार्य में से प्रत्येक दिन का इनका कार्य है 4, तो हम क्या करेंगे बी का ए प्लस बी का माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का। तो हम क्या करेंगे, तीनों में से क्या करेंगे, ए प्लस बी का पर डे का माइनस कर देंगे तो हमारे पास तीनों का जो है एक दिन का काम है 4 और ए प्लस बी का एक दिन का काम है 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, यानी सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। हमें निकालना है ए प्लस सी, ए प्लस
सी जो है मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर, दो और एक तीन, और उन्हें करना कितना है 24। 24 काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, एक दिन के अंदर करते हैं तीन, तो इसे काट देंगे तो हमारे पास आ गया 8। यानी 8 दिन के अंदर जो है काम खत्म हो जाएगा अगर काम ए और सी मिलकर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यह है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। अगर किसी से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।